morning, dear students. I hope you all are fine and healthy and taking care. So, students, we have completed our chapter number 8 plus worksheet of chapter number 5 and 6. So, today we are going to start our new chapter. That is chapter number 9. It's raining. It's raining. Rain hum sabko pasand hai, hai na? So, today we will learn about rain. Okay, it's all about formation of clouds, how rain comes down on the earth. Okay, students, in this you will learn all the things about rain. Okay, there's one story in your textbook. The name of the story is Appu Ate Bananas. Appu ne kya khaye? Banana. Now, Appu kaun hai? Appu is one elephant. Kaun hai Appu? Ek elephant hai. Appu likes banana very much. Appu usko kya pasand hai khana? Banana pasand hai. He plucks and eats banana from the trees every day. Kya karta hai? Banana todta hai aur har roz khata rehta hai. One day he saw that the banana tree was dropping. Ek din usne kya dekha? That banana tree gir raha tha, drop ho raha tha. It had not rained for a long time. Kyun banana tree gir raha tha? Kyunki bahut time se rain aayi nahi thi us jagah pe. What happened? Then I must get water in my trunk, said Appu. Appu क्या बोलता है? मैं अपनी trunk में water लेके आता हूँ. He started walking towards the river. वो कहाँ गया? Towards the river. Then Appu drank water till he was happy. क्या किया Appu ने? पानी पिया. जब तक उसकी प्यास नहीं बुझी तब तक he drank water. He bathed his body with his trunk. और उसने किससे बात किया? With his trunk. Trunk से करते हैं ना, see, elephant use its trunks to bath. See, ऐसे शावर किया अपने ऊपर with the help of his trunk. Then what happened? Then he carried water in his trunk and poured it on the banana trees. Now what did Appu do? Appu ने क्या किया? Appu ने अपनी trunk में बहुत सारा पानी भर लिया और कहाँ जाके निकाला? बनाना ट्री के पास जाके उसको निकाला. As soon as the banana trees got water, they came alive. और जैसे ही बनाना ट्री को वाटर मिला तो वो क्या हो गई? अलाइव. तो इससे क्या आपको सीखने को मिलता है? कि रेन इज वेरी मच नेसेसरी फॉर द सराउंडिंग नेचर, फॉर ट्रीज, फॉर फार्मर्स, एज वेल एज फॉर आर सेल्फ ऑल्सो, फॉर ह्यूमन बींग्स ऑल्सो. रेन इज वेरी मच नेसेसरी. अप्पू सेड, फ्रॉम नाउ ऑन आई विल गेट वाटर फॉर यू एवरी डे. अप्पू क्या बोलता है बनाना ट्री को? अब से मैं रोज तुम्हारे लिए पानी लाऊंगा. After all, you also gave me ripe and tasty bananas. After all, तो मुझे क्या देती हो? Ripe और पके हुए और बहुत tasty bananas देते हो. इसलिए मैं तुमको रोज क्या दूंगा? Water दूंगा. ठीक है, और अगर rain नहीं आएगी तो क्या होगा? तो birds, animals, plants, ये बड़ी बड़ी trees सब क्या हो जाएंगे? सूखने लग जाएंगे. और हमारे लिए भी क्या हो जाएगी? शॉर्टेज ऑफ वाटर. तो रेन इज वेरी मच नेसेसरी. ओके स्टूडेंट्स, सो दिस वॉज योर स्टोरी फ्रॉम द टेक्स्ट बुक. नाउ वी विल रीड हाउ इज रेन फॉर्म. ठीक है, अब दिस इज नॉट इन योर टेक्स्ट बुक, आई एम एक्सप्लेनिंग यू. ओके, सो अंडरस्टैंड इट. कैसे रेन बनती है? रेन कैसे बनेगी? So due to heat of the sun in summers, water from lakes, ocean and sea becomes hot, change into vapor. अब क्या होता है समर में? क्या होता है?
सन की हीट की वजह से क्या होता है, पानी जो भी लेक्स में है, ओशन में है, सीज में है, विद द हेल्प ऑफ द सनलाइट उनको हीट मिलती है और वो गर्म होता है, गर्म होता है। ठीक है, आपने देखा होगा जब मम्मी पानी गर्म करती है तो उसमें से क्या निकलता है, धुआं निकलता है। तो दैट धुआं, वो धुआं क्या होता है, वेपर होता है। इन द सेम फॉर्म जब सन लेक्स ओशन सीज को हीट देता है तो पानी गर्म हो जाता है और इसमें से जो वेपर निकलती है, सिंस वेपर इज वेरी लाइट इट राइजेस हाई, वो कहां तक जाती है, बहुत हाई तक जाती है। दिस वेपर कलेक्ट्स इन द स्काई, वेपर कहां हाई तक जाएगी, स्काई तक जाती है। कैसे रेन बनती है, फिर से सुनो कि सन की हीट जब लेक्स ओशन सीज में पड़ती है तो पानी गर्म हो जाता है, गर्म पानी में से धुआं निकलता है, दैट धुआं इज कॉल्ड वेपर। फिर वेपर कहां जाती है, हाई अप इन द स्काई। फिर क्या होता है, वेपर दैट कलेक्ट्स इन द स्काई फॉर्म्स क्लाउड्स। अब वेपर से क्या बनते हैं, क्लाउड्स बनते हैं, विद द हेल्प ऑफ द वेपर्स क्लाउड्स आर फॉर्म। क्लाउड्स बनेंगे तो क्या होगा, व्हेन क्लाउड्स कूल डाउन वाटर ड्रॉपलेट्स आर फॉर्म्ड विद इन देम। जब वो ठंडा हो जाता है तो उस पे वाटर ड्रॉपलेट्स बनते हैं। ये आप इसका भी मैम एक एग्जांपल देगी, अगर हम गर्म पानी को ढक देते हैं, ठीक है, ढक देते हैं, गरम गरम चीज, कोई भी गरम गरम चीज को ढक देते हैं तो उसके ढक्कन पे क्या हो जाता है, गीला हो जाता है, वाटर हो जाता है ना। जैसे ही वो ठंडा होता जाता है पानी उधर जमा होता है ढक्कन पे, तो ऐसे ही जब वेपर ठंडी हो जाती है तो उसके हेल्प से क्या बनते हैं, क्लाउड्स बनते हैं। ठीक है, व्हेन दीस ड्रॉपलेट्स कम डाउन टू अर्थ We call it rain. और जब वो ड्रॉपलेट्स नीचे गिरते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, रेन बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इन दिस फॉर्म द रेन बनती है और नीचे अर्थ पे आती है। ओके, नाउ वी सी डार्क रेन बियरिंग क्लाउड्स मूविंग स्विफ्टली अक्रॉस द स्काई इन द रेनी सीजन। हम क्या देखते हैं, स्काई में डार्क क्लाउड्स ऐसे जा रहे होते हैं, इधर उधर जा रहे होते हैं, है ना। समटाइम्स देयर इज थंडर, थंडर मीन्स बिजली कड़कती है ना, एंड लाइटनिंग फॉलोड बाय द हैवी रेन। और ऐसी लाइटनिंग देखी आपने स्काई में, है ना, ऐसी लाइटनिंग भी होती है, थंडर धड़म धड़म आवाज आती है ना, किसके साथ, रेन के साथ। समटाइम्स द रेन कम्स डाउन इन द ड्रिजल एंड समटाइम्स इट रेन्स हैवीली। कभी थोड़ी थोड़ी बारिश होती है, कभी तो एकदम अचानक से बहुत सारी बारिश हो जाती है, व्हाइल एट द अदर टाइम्स इट रेन कंटिन्यूसली। और कभी कभी तो कंटिन्यूस रेन होती है सुबह से लेकर शाम तक, है ना, होती है ना। देन वी विल अंडरस्टैंड अबाउट फ्लड। नाउ व्हाट इज फ्लड, क्या होता है, तो लेट्स अंडरस्टैंड। समटाइम्स रिवर गेट फ्लडेड, फ्लड वाटर स्प्रेड्स ऑल ओवर लो लाइंग एरियाज अराउंड। क्या हो जाता है, कभी कभी रिवर्स ओवरफ्लो हो जाते हैं, पानी ज्यादा हो जाता है, दैट मीन्स ज्यादा पानी रिवर्स में, मतलब फ्लड। ओके, फिर वो क्या हो जाता है, आजू बाजू में फैल जाता है ना, जब ज्यादा बारिश होती है। ये कब होता है, जब ज्यादा बारिश होती है, हाउसेस एंड एवरीथिंग इनसाइड देम फ्लोस अवे ड्यू टू द ह्यूज वॉल्यूम एंड फोर्स ऑफ द फ्लड वाटर। इवन कैटल एंड ह्यूमन बींग्स आर स्वेप्ट अवे टू द वॉटर। और कभी कभी तो क्या हो जाता है, घरों में भी पानी आ जाता है, घरों में पानी आ जाता है, कभी कभी तो ह्यूमन बींग्स के हमारी जो थिंग्स होती है ना, आपने देखा होगा जहाँ पे हैवी रेनफॉल्स होती है, बहुत ज्यादा कंटिन्यूसली, टू डेज रेन, थ्री
डेज रेन है ना, तो क्या हो जाता है, पानी ओवरफ्लो हो जाता है, दैट ओवरफ्लो वाटर इज नोन एज फ्लड है ना। फिर उसमें ह्यूमन बींग्स के व्हीकल्स भी तैर रहे होते हैं, ह्यूमन बींग्स खुद भी तैर रहे होते हैं, एनिमल्स भी तैर रहे होते हैं, तो दैट इज नोन एज द फ्लड। यू कैन सी इन द पिक्चर है ना, ओवर वाटर, ज्यादा वाटर, दैट इज नोन एज फ्लड। ओके, नाउ व्हाट इज ड्रॉट, ड्रॉट क्या होता है, तो व्हेन इट डजंट रेन इन मॉनसून, जब मॉनसून सीजन में बिल्कुल बारिश ही नहीं हो, तो सो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर फार्मर्स टू कल्टीवेट द क्रॉप्स, तो क्या हो जाता है, फार्मर्स के लिए डिफिकल्ट हो जाता है क्रॉप्स को उगाना, सो ग्रेन्स एंड फोडर बिकम्स स्कैन, क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, जो हमने माल संभाल के भी रखा है वो भी, जो हमको उगाना है वो भी, सब विदाउट रेन क्रॉप्स विल नॉट ग्रो प्रॉपरली एंड दैट विल स्पॉइल, इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर ह्यूमन एनिमल्स एंड बर्ड्स टू गेट इनफ वाटर, और हमारे लिए भी डिफिकल्ट हो जाता है टू गेट इनफ वाटर, मॉनसून नहीं होगी तो क्या होगा, शॉर्टेज ऑफ वॉटर, दिस सिचुएशन दैट अराइजेज ड्यू टू नो रेन और वेरी लिटल रेन इज नोन एज ड्रॉट, जब बिल्कुल बारिश नहीं होती है या फिर बहुत कम बारिश होती है, दैट इज नोन एज द ड्रॉट, तो क्या बोलोगे, ड्रॉट पैरालिसिस, इन दिस यू कैन सी द ट्री इज ड्राई, ट्री पूरा सूख गया है ना, सो रेन इज वेरी मच necessary. Now we understand about rainbow. When it rains, lush green grass is seen growing out of the ground. जब रेन होती है तो हमको क्या देखने को मिलती है, सराउंडिंग्स में ग्रीनरी देखने को मिलती है, एंड देयर इज द लवली ग्रीन कार्पेट ऑल ओवर द फॉरेस्ट एंड इवन ऑन द साइड्स ऑफ द रोड्स, क्या हो जाता है, पूरे सब जगह ग्रीनरी ग्रीनरी हो जाती है, और रोड्स के साइड पे भी क्या उग जाती है, ग्रास उग जाती है ना, तो कितना अच्छा लगता है, स्ट्रीम्स एंड कैनल्स आर फुल ऑफ वाटर, स्ट्रीम्स जो होती है वाटर की, जो कैनल्स बने हुए होते हैं वाटर के लिए, वो उसमें भी अच्छे से पानी भर जाता है, मेनी टाइम्स वी कैन सी अ रेनबो इन द स्काई ड्यूरिंग मॉनसून, तो कभी कभी हमने देखा है क्या निकलता है स्काई में, दिस टाइप ऑफ रेनबो है ना, जब बारिश बंद हो जाती है और धूप आ जाती है तब क्या निकलता है, सेवन कलर्स ऑफ रेनबो हमको दिखाई देता है, वी कैन सी अ रेनबो व्हेन इट हैज जस्ट स्टॉप्ड रेनिंग, जब रेन स्टॉप हो जाती है, और रेनबो इज सीन इन द वेस्ट इन द मॉर्निंग एंड इन द ईस्ट इन द इवनिंग, और जब रेन स्टॉप हो जाती है और सुबह का समय है तब रेनबो कौन सी डायरेक्शन में उगेगा, वेस्ट डायरेक्शन में उगेगा रेनबो, विच डायरेक्शन, वेस्ट डायरेक्शन में, और जब शाम होती है और रेन स्टॉप हो गई है, ठीक है, तो रेनबो कौन से डायरेक्शन में दिखता है हमको, ईस्ट डायरेक्शन में दिखता है। ओके स्टूडेंट्स, सो रीड द स्टोरी ऑफ द अप टू ईट बनाना फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। ओके थैंक यू।